कराची के ताजरों को 12 अरब रुपए का धचका। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और वो भी कराची की प्राइम तरीन लोकेशन पर, तफसीलात जानना चाहेंगे? नीचे दिए गए नंबर्स पे अभी हमसे रابطہ कीजिए। कराची सदर ऑल कराची ताजर इतिहाद का कहना है कि ताजरों को 10 से 12 अरब तक नुकसान हो चुका है। दो रोज से मार्केटों में कारोबार ही नहीं हो सका। तफसीलात के मुताबिक ऑल कराची ताजर इतिहाद के सदर ने हालिया बारिशों के बायस तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस सूरत हाल के बायस ताजरों को कारोबार में शदीद नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि सेवरेज का निज़ाम ना होने से हर बार नुकसान होता है। बारिश के बाद पानी जमा होने से कारोबार मुतासर है। दो दिन के दौरान अरबों का नुकसान हुआ। ख्याल रहे कि बारिश की वजह से कराची शहर के बेशतर रिहायशी और कारोबारी इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जबकि नशीबी इलाके कई कई फिट पानी में डूब गए। कराची के ओल्ड एयरपोर्ट पर 2.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पीएफ मसरूर बेस पर 4 मिलीमीटर, पीएफ फैसल बेस पर 2.5 मिलीमीटर और जिना टर्मिनल पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है। महकमा मौसमियात ने नेस्पेल की भी पेशगोई कर दी।